जया कुंज बिहारी जया राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जना बाला जय गिरी जय गोपी जना बाला जय गिरी जय गोपी जना बाला जय गिरी बराधारी जय गिरी बराधारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय यशोदा जय ब्रज जन जय ब्रज जन जय यशोदा जय ब्रज जन जय यशोदा जी जय जय जन जय ब्रज जन जय यशोदा जी जय हरे कृष्ण
hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare 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 krishna 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 hare hare
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार सब कोई कुछ तो बोल रहे हैं और कुछ चुप बैठे हैं। सबके सब जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। और एक बार जोर से बोले छत उड़ जाएगी। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 मेरे गुरुपाद पद्म मितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म मितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज श्रील गौर भगत गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज अन्य अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य हम प्रणाम करते हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन है। श्री सुलोचना दीदी और श्री कृष्णा प्रभु आज इनके घर में सत्संग हो रही है, इसलिए श्रीमद भागवत में बताए बोले सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र जथा चुतादर कथा प्रसंग। इसका मतलब है कि जिस घर में भगवान की कथा हो, जिस घर में ये सत्संग हो, श्री सुत गोस्वामी कहते हैं सौनकाद ऋषियों कहते वो घर घर नहीं है। कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोलो 6 अरब। कितना? 1 अरब 100 करोड़ होता है। 6 अरब मतलब क्या हो गया, 600 करोड़ तीर्थ। जिस घर में हरि कथा हो उसी घर में ये सारे तीर्थ उसी समय में आ जाते हैं। इसलिए जिस समय श्री सौनकादि ऋषि लोग हरिद्वार में ये कथा सुनाने जा रहे थे, बोले भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतम, कौन कौन वहां पर कथा सुनने आए, बोले जितने ऋषि मुनि पृथ्वी का बद गंगा आदि सरिता तस्य जितने गया गंगा प्रभा सारे तीर्थ हैं, और यहाँ से भी ब्रह्मलोक से भूर भुव मोह जन लोक से सारे ऋषि मुनि भी वो कथा सुनने के लिए आए। और जिस समय कथा शुरू होने जा रही थी इतने में स्वर्ग में जितने देवता लोग क्या किए, धुंधुवी बजाए, नागड़ा बजाए, शंख बजाए, और उन्होंने कथा की उन्होंने जयकार दिए और स्वर्ग से पारिजात पुष्प की बौछार किए। बोले श्रीमद् भागवत कथा की, जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा की, बोले श्री हरि कथा की। इसका तात्पर्य क्या है, कहीं अगर भगवान की कथा होना, बोले साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, देवता लोग भी खुश होते हैं, बोले भगवान की कथा हो। और केवल हम ही आकर बैठते ही ये बात नहीं, बोले जितने सारे ऋषि मुनि गंगा यमुना वो सब के सब वहाँ पर आकर के उपस्थित हो जाते हैं, और जहाँ पर ये भगवान की कथा हो है, इसलिए भगवान की जो कथा है बड़ी
दुर्लभ है, जगत में सब चीज सुलभ है, लेकिन जो सत्संगति दुर्लभ संसारा। संसार में जो भगवान की कथा और जो भक्तों का संग बड़ा दुर्लभ। बताओ ब्रिजवेन में कहाँ पर कथा होती है, कई कथा होती है, बताओ कई कथा होती है, बोलो नहीं। इसलिए जिस कथा को सुनने के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से सुनने के लिए आते हैं, शंकर जी शिव लोक से आते हैं, गरुड़ जी वैकुंठ से आते हैं, और देवता लोग भी स्वर्ग छोड़ करके और अमृत कलश लेकर के आते हैं। बोले ये अमृत कलश ले लो, इसका विनिमय में कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तथा जम्बा जहाज ससा भगा देते हैं वहां से, बोले कथा नहीं सुन सकते, भाग जाए यहाँ से, कथा नहीं सुन सकते। बोले कथा की इतने महत्व है, भगवत कथा की है, हमें आसानी से मिल रहा है ना, इसलिए इसका महत्व हम नहीं समझते। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती मेरे को बड़ा कष्ट करना पड़ता है कथा सुनने के लिए, मैं भी कैलाश छोड़ करके अगस्त ऋषि चरण में आकर के कथा को मैं सुनता हूँ। इसलिए आज समझो हम लोगों का बहुत भाग्य है जो कि आज हम यहाँ पर भगवान की कथा हरि कीर्तन सुनने के लिए आए हैं, और यहाँ पर लगता है बहुत बार भागवत कथा भी हो गई। कितना बार हो गई, कितना बार हो गया, तीन बार हो गया, इसलिए यहाँ पर तीन बार भी ये भागवत कथा हुई है। इसलिए इसका मतलब है ये स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र है, जहाँ पर भगवान की कथा जहाँ पर हुई है। हरे कृष्णा। हाँ देखो हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे, सवेरे श्री प्रकाश प्रभु जी के घर में श्रवण कर रहे थे। जब श्री जगन्नाथ जी अभी आएंगे कहाँ पर, वृंदावन में जगन्नाथ द्वारका से आएंगे, और श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे अपना परिकरों को लेकर के, अपना भक्तों को लेकर के कैसे उन्होंने गुंडीचा मंदिर को उन्होंने मार्जन कर रहे थे। हैं, ये गुंडीचा मंदिर नहीं, ये वृंदावन है, और राधा रानी के निकुंज और महल है। स्वयं महाप्रभु राधा रानी जैसे कृष्ण के लिए सुंदर फूलों की कुंज बनाती है, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु सुंदर अपना हाथों से श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन मतलब श्री वृंदावन धाम को बड़े सुंदर रूप में सजाते हैं। इसलिए सवेरे हम लोगों ने इस विषय पर बहुत बहुत कथा सुने, महाप्रभु ने ये लीला क्यों की है, इसका रहस्य क्या है। इसका रहस्य है अगर अपना हृदय रूपी निकुंज में अगर कोई कृष्ण को बैठना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करो, इसमें जो गंदगी है ना, काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष छल कपट कुटी नाटी प्रतिष्ठा है, ये जितने हृदय में गंदगी जब तक रहेगी तब तक भगवान कभी हृदय में बैठ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले क्या करो, इसको साफ करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु स्वयं इसको अपना हाथों से साफ सुथरा किया, और साफ सुथरा करते हुए उन्होंने महाप्रभु अपना भक्त लोगों को लेकर के बड़े कीर्तन कर रहे थे। सारे भक्त लोग लेकर के बड़े उद्दंड महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते करते श्री अद्वैत आचार्य का के बेटा था जिसका नाम था गोपाल, अब उसने कीर्तन करते 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 भावा वैसे में ना वहीं पर उन्हें बेहोश हो गया, एकदम बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो अद्वैत आचार्य देखा मेरे बेटा तो बेहोश हो गया, और उन्होंने नाक में रुई लगा कर देखा प्राण भी चला गया, नाड़ी भी बंद है, और उन्होंने बड़ी जोर जोर से नरसिंह देव मंत्र पढ़ करके नरसिंह देव मंत्र पढ़ करके उनको ऊपर में पानी जोर से छिड़का, जैसे दोबारा होश आ जाए, लेकिन किस तरह से होश ही नहीं आया, अभी तो रोने लग गए, मेरे बेटा तो मर गया, मेरे बेटा शरीर ही छोड़ दिया। लेकिन इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उसको ऊपर हाथ रखते ही और गोपाल नाम लेते ही ना, अरे गोपाल एकदम जिंदा हो गया, गोपाल जिंदा हो गया और फिर नाचने लग गए। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु है ना, देखो भगवान किसको कहते हैं, कहते ईश्वर का डेफिनेशन क्या है, बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो सक्यते सर्व ईश्वर। ईश्वर का डेफिनेशन दिया है जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकता है, मरे हुए व्यक्ति को भी जो जिंदा कर सकता है, हैं जो जिंदा कर सकता है। इसलिए कृष्ण भी मरे हुए व्यक्ति को तीन तीन बार भगवान कृष्ण भी जिंदा किया है। बता सकते हो कब को कृष्ण मरे हुए बच्चों को जिंदा किया, बोलो, अरे कृष्ण कब किया है,
गुरु जी के गुरु बेटे को जब उन्होंने गुरुकुल में जब पढ़ाई करने के लिए गए तब उन्होंने दक्षिणा रूप में शांति बुनी मुनि अपना पत्नी को बोले देखो लगता है ये कृष्ण भगवान है क्योंकि एक एक विद्या पढ़ने के लिए जैसे कोई सीए करते हो कोई डॉक्टरी करते हो देखना जिंदगी भर चली जाती लेकिन एक विद्या को कोई पढ़कर खत्म नहीं कर सकते लेकिन जगत में जितने सारे विद्या है ना 64 कला है जितने आर्ट्स है सारे मिलकर 64 विद्या कला है लेकिन उनने 64 दिन में सारे विद्या को पढ़ ली बोले लगता है ये कोई साधारण बालक नहीं होगा भगवान है बोले परीक्षा कैसे करेंगे बोले जो भगवान है ना मरे हुए बच्चे को भी जिंदा कर सकते हैं इसलिए हम क्या करेंगे अपना मरे हुए बेटे को मांगेंगे तो उन्होंने सचमुच से उन्होंने दक्षिणा रूप में अपना मरे हुए बेटे को मांगी और कृष्ण क्या किया जब महाराज के पास में गए और वहां पर उन्होंने शंख बजाया शंख बजाते ही जम स्वयं काल दुनिया डरता है अभी कोरोना आया था ना किसको घर से कोई निकल रहे थे कोई निकल रहे थे सब घर में बंद हो कोई मरना नहीं चाहते लेकिन काल को दुनिया डरता है लेकिन काल किसको डरता है काल भगवान को डरता है इसलिए जब भगवान बंसी बजाई ना जब उन्होंने शंख बजाई इतने में काल स्वयं कांपते कांपते आए बोले लगता है मेरा ही नंबर आ गया बोले मेरा नंबर आ गया मतलब क्या बोले कृष्ण ऐसे एक अवतार हुए हैं किसकी अभिमान को ठाकुर ने नहीं रखा इंद्र का अभिमान को भी उन्होंने तोड़ा है इंद्र भी जिनके चरण में आकर माफी मांगे ब्रह्मा जी भी बछड़े सखा को चोरी किया लेकिन बाद में जो पता चला ये भगवान है ब्रह्मा भी आकर कृष्ण चरण में ना कर गए इसलिए जब महाराज सोच रहे शायद मेरा ही नंबर आ गया है इसलिए जब कांपते कांपते आए बोले प्रभु क्या आदेश है बोले मेरे गुरु पुत्र को वापस दो और उन्होंने गुरु पुत्र को लेकर के जमपुरी से आए हम कभी सुने हो मरे हुए व्यक्ति कभी जिंदा हुए हो लेकिन मरे हुए व्यक्ति को लाए उन्होंने फिर जब देवकी को पता चला मेरे बेटा मरा हुआ बेटे को लाए बोले बेटा मेरे भी 6-6 पुत्र तेरे बड़े भाई लगते हैं कंस ने 6-6 बच्चों को मार डाला मेरे बेटे को थोड़ा लाओ मेरे देखने की इच्छा है बोले भैया चिंता क्यों करती हो फिर ले आए 6-6 बच्चे को वापस ले आए हैं फिर जब कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे थे एक ब्राह्मण का बच्चा मरता था जन्म लेता था मर जाता था जन्म लेता था मर जाता था वहां पर भी कृष्ण जिस समय सभा में बैठे हुए थे वो ब्राह्मण मरे हुए बेटे को लाकर कृष्ण के सामने पटक दिया बोले कृष्ण लगता है तू अधर्मी हो क्योंकि राजा का जो पाप है ये प्रजा भोग करते हैं लगता है तू अधर्मी हो मेरे देश में ये बेटा जन्म लेकर क्यों मर रहा है तेरे पाप कर्म से लेकिन वहां पर अर्जुन भी बैठा हुआ था और अर्जुन पूरा ताव में आ गया बोले मेरे सामने मेरे सखा की बदनामी है बोले देख इस बार तेरे बेटे को मैं बचाऊंगा ब्राह्मण बोले तू क्या बचाओगे भिजड़े तू क्या बचाओगे जहां पर कृष्ण नहीं बचा पा रहे हैं जहां पर स्वयं प्रद्युम्न अनिरुद्ध बलदेव प्रभु बैठे हुए वो कुछ नहीं कर पाए तू हिजड़े क्या करोगे अर्जुन बोले मैं कृष्ण बलराम नहीं गांडीवधारी अर्जुन हूँ गांडीवधारी अर्जुन अगर मैं तेरे बच्चे को बचा नहीं पाया ना मैं अग्नि में अपना शरीर को मैं अग्नि में ही मैं विसर्जन कर दूंगा बोले एक काम करियो जब तेरे बच्चे का जन्म का समय हो मेरे को बुला देना बोले ठीक है इतने में प्रसव पीड़ा होता है जन्म से पहले जब पत्नी की प्रसव पीड़ा हुई ना अर्जुन को बुला करके लाए बोले जल्दी जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ बच्चा जन्म होने वाले अर्जुन आए और सचमुच से तो गांडी भी है ना ऐसे बाण मारे सुती का गृह को ऐसे उन्होंने बंद कर दिया हवा तक भी अंदर में नहीं जा सकती है ऐसे उन्होंने बंद कर दिया और खड़े हो गए कहाँ दरवाजा को सामने कौन आता है मैं देखता हूँ बच्चे को लेने के लिए कौन आएगा लेकिन हर बार क्या होता था बच्चा जब जन्म लेता था लेकिन बच्चा का मरता जाता था लेकिन शरीर जहाँ के तहाँ रह जाती थी शरीर वहीं पर शरीर रहता था लेकिन इस बार क्या हुआ बच्चा तो जन्म लिया और शरीर समेत गायब इतने में अर्जुन ने ध्यान लगाया बच्चा गया कहाँ अपना भूर भूग मोह जन तप सत्य लोक तक अतल बीतल तलातल रसातल पाताल तक उन्होंने ध्यान लेकिन कहीं मिला ही नहीं बोले गया कहाँ बच्चा गया कहाँ
इतने में ब्राह्मण तो इतने गाली गलौज किया, बोले सर्व बेकूफ, तेरे को सर्व नहीं आता, मैं तेरे को बोल रहा था कृष्ण बलराम जहाँ पर है रखिया नहीं कर पाई, तू क्या करोगे, कितना डी घा करा था, बताओ मेरे बेटा कहाँ गया। इतने में अर्जुन तो दुखी हो गया, उन्होंने अग्नि जलाया, बोले अग्नि में अपना शरीर को त्याग देंगे। इतने में कृष्ण बोले आओ मेरे साथ, बोले मेरे साथ में आओ, कहाँ लेकर, वैकुंठ लेकर गए हैं, वैकुंठ लेकर गए। और जो वैकुंठ में पहुंचे ना, इतने में भगवान नारायण खड़े होकर के कृष्ण का स्वागत किया, बोले प्रभु केवल आपका ये जो रूप है, आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, केवल आपको दर्शन करने के लिए मैंने बच्चे को चोरी किया, आप कृपा करके मेरे लोक में आए, मेरे लोग धन्य हो गया है, लो सारे बच्चों को वापस लेकर जाओ। भगवान कृष्ण सारे बच्चों को, जितने मरे बच्चे हुए थे, सब लेकर आए। देखो इसलिए जो भगवान का जो डेफिनेशन है ना, है भगवान का जो डेफिनेशन है हम जानते नहीं, इसलिए हम इधर उधर भगवान को पीछे भाग रहे, ये भगवान अमुक भगवान साई भगवान कितना पता नहीं कितने कितने भगवान है। बोले भैया भगवान कोई नहीं है, भगवान तो हमारे कृष्ण के नहीं, भगवान है भगवान राम, हमारे भगवान है भगवान राम और नारायण भगवान, और कोई भगवान भगवान नहीं है, है? भगवान है और कोई भगवान नहीं, इसलिए इधर उधर को पीछे हमें भागने का जरूरत नहीं, भागो तो कृष्ण को पीछे भागो, है कृष्ण को पीछे हमें भागनी चाहिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु भी, उन्होंने भी तीन बार मरे हुए बच्चे को मरे हुए बच्चे को उन्होंने जिंदा किया। बोलो कहाँ कहाँ पर जिंदा किया, हाँ श्रीवास का बेटा है, अद्वैत आचार्य जी का बेटा, दो बार हो गया, और तीन बार कहाँ पर किया, हाँ बोलो तीन बार क्या हुआ। एक बेटे को तो उन्होंने श्रीवास पंडित का ध्यान देकर सुनो, उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा दिया है, शायद तुमने प्रश्न कर रहे थे ना, हाँ बोले जहाँ पर भगवान स्वयं थे, महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, श्रीवास पंडित घर में अपना परिकरों को लेकर कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते उनका जो एक लौता एक बेटा था शरीर छोड़ दिया है, जब शरीर छोड़ दिया घर में सब रोना धोना शुरू हो गया, और महाप्रभु भक्तों एक घर में नृत्य कीर्तन कर रहे थे, अद्वैत आचार्य को जो पता चला तो उनने प्रणाम करते हुए आए, देखा उनको एक बेटा शरीर छोड़ दिया, तो उन्होंने बोले भैया क्यों रो रहे हो, बोले तुम्हारी एक बेटा शरीर छोड़ दिया, बोले दिया किसी ने, बोले ठाकुर ने, बोले लिया किसने, बोले ठाकुर ने, भैया बेटा को दिया ठाकुर और लिया ठाकुर ने, फिर तू बीच में क्यों रो रहे हो, ये देखो क्या क्या दिया किसी ने ठाकुर ने और लिया भी ठाकुर ने, जब दिया ठाकुर और लिया ठाकुर फिर बीच में तुम क्यों रह रहे हो। देखो ये कितना बच्चा कितने सौभाग्य, देखो साक्षात जहाँ भगवान है ठाकुर जी नृत्य कीर्तन, एक दिन तो मरना ही है, लेकिन साक्षात वैकुंठ पति जहाँ नृत्य कीर्तन कर रहे हैं और उनके कीर्तन सुनते सुनते कोई शरीर छोड़े, कोई साधारण बात है। मैं भी ऐसे चाहता हूँ, एक दिन मैं भी ऐसे शरीर को त्याग देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सौभाग्य नहीं हो रहा है, महाप्रभु का कीर्तन में शरीर छोड़े, हाँ इसलिए खबरदार रोना धोना नहीं करना, अगर रोना धोना सुन करके महाप्रभु का कीर्तन का रस भंग होगा ना, फिर तो बेटा तो गया ही, मैं भी अपना प्राण त्याग दे दूंगा, क्योंकि मेरे घर में महाप्रभु का कीर्तन का रस भंग हो गया है। इतने में स्त्रियां है ना, रोना ऊपर तो बंद कर दिया लेकिन अंदर अंदर में रो रहे थे सब, हैं? इतने में पहले जितने खुश होकर के नाच रहे थे ना, जो दूसरा बार आए और ज्यादा छलांग लगाकर नाच रहे थे। इतने में महाप्रभु सब जानते हैं, महाप्रभु बोले लगता है श्रीवास पंडित के घर में कुछ अनहोनी सा हो गया है, कुछ अमंगल हो गया, जब इतना बोले ना श्रीवास पंडित छलांग लगाकर खड़े हो गए, बोले प्रभु आप क्या बता रहे हो, जहाँ पर स्वयं वैकुंठपति जगतपति जगन्नाथ जहाँ पर नृत्य कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं वहां अमंगल हो सकता है कभी हैं? इतने में अद्वैत आचार्य कहा प्रभु श्रीवास का जो एक बेटा ने शरीर छोड़ दिया, इतना सुनकर के महाप्रभु तो रोना शुरू कर दिया, महाप्रभु रोना शुरू कर दिया, बोले पितृ शोक ना जाने लो जे महाराज प्रेमे एमन संगम हुई छाड़ियों के मने, बेटा का वियोग आपको पता होगा, जिसका एक बेटा अगर शरीर छोड़ दे माता रो रो कर पागल पागल ही नहीं हो जाती, हो जाती कि नहीं,
अगर एक बेटा किसका अगर शरीर छोड़ दे तो एक बेटा, लेकिन यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं जो पुत्र शोक को मेरे खुश के लिए जो अपना बेटा का शोक भी छोड़ दिया, उसको भी त्याग दे दिया, ऐसे भक्तों को मैं छोड़कर सन्यासी कैसे लूं। मतलब एक दिन महाप्रभु सन्यास लेने वाले हैं, कहते ऐसे संघ को मैं कैसे परित्याग करूं हैं। इतने में महाप्रभु आए और महाप्रभु आकर के उनका जो बेटा जो सो रहा था ना उसको छाती पर हाथ रखे, छाती पर हाथ रखते बोले बेटा तू कहां गए हो। जब छाती पर हाथ रखा ना बेटा जिंदा हो गया, वो बेटा जिंदा हो गया। फिर वो बच्चा बोलने लग गए, बोले प्रभु आपने जहां पर भेजा मैं वहीं पर गया, आपकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हैं? पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन आपने जहां पर भेजा मैं बढ़िया हूं। और प्रभु जी कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता माता, ये संसार का एक धर्मशाला है। जैसे होटल में धर्मशाला में रुको, जैसे बहुत सारे स्थान से लोग आते हैं बैठते हैं और रात को बैठ करके खूब वहां पर आपस आपस में गल्प मारते हैं, गल्प करते हैं, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से, रात भर तो रात में तो गप्पे मारते हैं, लेकिन सवेरे होते ही अपना अपना स्थान पर चले जाते हैं। कहते तो संसार नहीं एक धर्मशाला है, ये धर्मशाला में हम बैठ करके तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी भाई हो, तुम्हारी बहनी हो, बस यहाँ पर बैठ कर गप्पे मार रहे और कुछ नहीं। करुणा में कितने लोग चले गए बताओ, कितने लोग करुणा में गए, सो गए कहाँ, अगर होते तो क्यों छोड़कर चले जाते। भैया ये धर्मशाला में रुके हैं, जिसका बाद टिकट खत्म हो जाएगा ना परमिट, उसको यहाँ से निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चाहने पर भी यहाँ पर हम नहीं रह ही सकते है। इसलिए वो बच्चा कह रहा है बोले प्रभु जगत में कोई किसी का नहीं, धर्मशाला में इकट्ठे हुए, समय आने पर अपना अपना स्थान पर हमें जाना पड़ेगा प्रभु। लेकिन आपने मेरे को जहां पर भेजा है ना बहुत बढ़िया जगह पर भेजे हो, मैं बहुत खुश हूँ प्रसन्न हूँ। जब इस बात बताए ना उनको पिता माता सब सुन रहे थे, सब उनका कान खड़ा हो गया, उनके कान खड़े हो गए बच्चे के ज्ञान की बात सुन करके। फिर जो रो रहे थे ना सबका रोना था ना फिर खत्म हो गया है। बोले नहीं वो खुद कहता है वो जहां पर गया है वो अच्छा है, जब अच्छा है महाप्रभु बोले उसको फिर क्या जिंदा कर दो। बोले प्रभु वो खुद कहता है मैं जहां पर गया अच्छा ठीक ठाक हूँ, फिर उसको वापस क्यों लाएंगे, जब वो खुश है वापस मत लाओ, एक दिन तो मरना ही है, लेकिन आपको सामने कोई मरेगा इसका सौभाग्य थोड़ी उसको प्राप्त होता है। इसलिए महाप्रभु दो बार जिंदा दिए और तीसरा बार किया कि जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे वहां पर से सार्वभौम भट्टाचार्य जो बृहस्पति बृहस्पति का बता रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य एक दिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को घर में निमंत्रण दिया। अब महाप्रभु के लिए ना बड़े सुंदर सुंदर प्रसाद बनाया, तरह तरह का अन्न व्यंजन, कितने तरह का साग, कितने तरह भाजी, कितने तरह का रसा, कितने तरह का साग सब्जी बनाया, भगवान आए घर में खिलाएंगे। लेकिन उनको एक दामाद था हैं, उनकी बेटी का नाम थी सठी हैं, उनका एक दामाद था। हम उस तरफ ना दामाद को तो ना जैसे ठाकुर जैसे को जैसे पूजा करते दामाद को ऐसे पूजा करते हैं, बोले दामाद को बड़े प्यार करते हैं, हैं? बड़े अगर जिस घर जिसने दामाद आ जाए ना मतलब ठाकुर जी घर उसमें आ गए, बस इतने दामाद को इतने प्यार करते हैं, उसके लिए बड़े सुंदर सुंदर प्रसाद बनाकर खिलाते हैं, खाना बनाकर खिलाते हैं। लेकिन उसके घर में उठी घर जमाई है, लेकिन महाप्रभु उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, ये रात भर रसोई बना रहे हैं लेकिन मैं घर में दामाद रहता हूँ, मेरे लिए इतना मेरे को भी इतने प्यार नहीं देते हैं जितना प्यार भगवान महाप्रभु को देते हैं। इसलिए महाप्रभु के लिए बड़े सुंदर उन्होंने केले का पत्ते में तरह तरह का अन्न व्यंजन, लेकिन वो व्यक्ति छटपट छटपट कर रहा था। बोले क्यों, बोले इनको इतने बढ़िया बढ़िया रसोई बनाकर खिला रहे हैं और मेरे को आज पूछ भी नहीं रहे हैं, मेरे को आज कोई मेरे लिए नहीं महाप्रभु के लिए, वो छटपट छटपट कर रहा था इस सन्यासी को क्या क्या खिलाते हैं। लेकिन उसको पता है सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे जो दामाद बड़े ईर्ष्यालु बड़े द्वेषी है, इसलिए उन्होंने दूर जान बुझ करके उन्हें दूर रखा था। लेकिन वो छटपट छटपट कर रहा था क्या क्या खिला रहे, ऐसे करते करते सूजो को पा करके नहाकर देख लिया, बोले हाँ सन्यासी इतना खाता है वहां पर तो सन्यासी है ना।
सन्यासी है, सन्यासी को तो वैराग्य पूर्वक रहनी चाहिए। सन्यासी इतना खता है, जब इतना बोल दिया ना, इसको सुनते ही सार्वभौम भट्टाचार्य तो बृहस्पति है, हैं? उनको तो बड़ा दुख मिला। भगवान को बुलाया घर में भोजन के लिए, और कोई देख करके अगर बोले इतना खा रहा है, बोले कितना गंदी बात है, हैं? कितनी गंदी बात। उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले मेरी बेटी रांडी हो जाए। रांडी समझते हो कि दवा है? कहते ऐसे दामाद की कोई जरूरत नहीं, जो भगवान की भोजन को देख करके, ठाकुर जी की सेवा देख करके जो ईर्षा करे, जो द्वेष करता है, बोले ऐसे दामाद की कोई हमारी जरूरत नहीं। इसलिए पत्नी अच्छा है, पत्नी हमारी विधवा होकर के पढ़ाएगी, ये ठीक है, लेकिन ऐसे दामाद हमें जरूरत नहीं। लेकिन वो बृहस्पति साधारण नहीं, देवगुरु बृहस्पति हो, उन्होंने जब ये अभिशाप दिया ना, एकदम उसको दामाद हो गया करेला, डायरिया हो गया, डायरिया हो गया दामाद को, डायरिया होते होते शरीर छोड़ दिया, मर गया। जब शरीर मर गया, महापुरुष को पता चला, उन्होंने अभिशाप दे दिया, अभिशाप से दामाद ही खत्म हो गया हैं। इतने में महाप्रभु आए, उसका छाती पर हाथ रखे, बोले अमोघ, उसका नाम था अमोघ, बोले अमोघ तुम ब्राह्मण हो, कितने भाग्य से कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेता है। भगवान भी जिनकी चरणों को, सुदामा जी के चरणों को भगवान भी चरण प्रखाले है, कहते ना नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण का देवता भगवान कृष्ण, वर्णानाम ब्राह्मण गुरु, ब्राह्मण वर्ण में गुरु है ब्राह्मण है। कितने भाग्य से तुमने ब्राह्मण घर में जन्म लिया, जिस हृदय में भगवान को तुमको बैठानी चाहिए, लेकिन तुमने हृदय में किसको स्थान दिया, ईर्षा द्वेष काम क्रोध को स्थान दिया, ऐसी चीज हृदय में स्थान नहीं देनी चाहिए। इसलिए बेटा जग जाओ, जब उसको छाती पर हाथ रखा ना, छाती पर हाथ रख के बोले जग जाओ ना, सचमुच से बोलते जग गया, जिंदा हो गया, फिर जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया ना, उसको पता चला मैंने गलती की है, भगवान की भोजन को देख करके मैंने ईर्षा की, महापुरुष का चरण में गिर पड़ा, बोले प्रभु मेरे को माफ कर दो। बोले बेटा ये हृदय में चंडाल को निवास मत दो, हृदय में भगवान को हृदय में बैठाओ। इसलिए भगवान भी तीन तीन बार, चैतन्य महाप्रभु भी तीन तीन बार उनने मरे हुए व्यक्ति को उन्होंने प्राण दिया, चैतन्य महाप्रभु। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए महाप्रभु उसको प्राण दान दिया। अभी दूसरे दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी, जगन्नाथ जी रथ में आकर बैठेंगे, जगन्नाथ जी ठाकुर जी आकर रथ में बैठेंगे, और महाप्रभु एक ही यात्रा है, जिसमें श्री महाप्रभु सारे भक्तों को लेकर के चैतन्य महाप्रभु जिस रथ यात्रा में महाप्रभु सम्मिलित हुए हैं, और वहां पर उन्होंने पार्टी बनाया है। सामने तीन पार्टी जगन्नाथ जी का मंदिर, सामने चार पार्टी रहेगा जगन्नाथ मंदिर को सामने, और उसमें सुवर्णा किया है कौन कौन कीर्तनिया रहेगा, और दो साइड में दो पार्टी और पीछे एक पार्टी, कितना हो गया, चार तीन सात पार्टी है, और हर पार्टियों में दो दो तीन तीन मृदंग है, और मजीरा करताल है, और गाने वाले, और जब महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, जब मृदंग बजते थे, मृदंग बजा रहे थे ना, बच्चे बजा रहे थे, मृदंग की आवाज देखना, जब उसको सुने ना, हृदय अपने आप खेतने लग जाती, हृदय अपने आप नाचने लग जाती है, क्योंकि मृदंग बजने लग जाए, और इतने बड़े बड़े मृदंग मजीरा लेकर जब कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु, एक साथ में महाप्रभु सात रूप धारण करते थे, और सात रूप धारण करते हुए महाप्रभु ये कीर्तन में महाप्रभु नृत्य करते थे हैं। और महाप्रभु कभी कभी रथ यात्रा करते करते कभी कभी महाप्रभु का भावना किया है, कहते ये मानो कुरुक्षेत्र में है, कहते मानो कुरुक्षेत्र में आज कुरुक्षेत्र में राधा रानी को साथ में कृष्ण मिला है, ये भावना है। इसलिए जिस समय कभी कुरुक्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ है, पूर्ण रूप में सूर्य ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण में जो कुरुक्षेत्र में वहां पर ब्रह्म हृदय है, वो ब्रह्म हृदय में स्नान करने का बड़ा पुण्य है, वहीं पर श्री परशुराम जी तपस्या किए थे, वो ब्रह्म हृदय को परशुराम जी ने बनाया, जब संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने निखत्रिय किया था, क्षत्रिय हीन 21 बार किया था, वहीं पर बैठ कर उन्होंने तपस्या किया था, ब्रह्म कुंड के पास में उन्होंने बनाए, उसमें स्नान किया था, कहते तो वहां पर सूर्य ग्रहण को बाद में स्नान करने का बड़ा पुण्य मान लिया था। इसलिए
पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ। पूर्ण सूर्य ग्रहण में समस्त सारा दुनिया के लोग वहां पर आए। जब आए वहां पर कृष्ण भी द्वारका से आए, पूरा अपना महिषियों को लेकर कृष्ण भी द्वारका से आए थे, और जितने ब्रजवासी भी वहां पर सबके सब नंदा यशोदा गोपियां सबके सब वहां पर गए थे। जब गए थे इतने में कृष्ण को पता चला, क्या कृष्ण को पता चला, यहाँ पर मेरे पिता माता भी आए, मेरे ब्रजवासी भी आए, ब्रज गोपियां भी यहाँ पर आए, इसलिए कृष्ण चाहते हैं इनको साथ में कृष्ण मिलना चाहते हैं। इसलिए स्नान करने के बाद कृष्ण नियम है, स्नान करने के बाद साधु संतों को वहां दान देने का भी बड़ा महत्व है। कुरुक्षेत्र में दान देने का बड़ा महत्व है, इसलिए कृष्ण स्नान किया, स्नान करके सारे साधु संतों को दान किया, और दान करके वहां पर राधा रानी भी आई थी और वहां पर नारद जी भी आई थी। नारद जी बोले देखो राधे, नियम है ये ब्रह्मा कुंड में स्नान करने के बाद साधुओं को दान देनी चाहिए, तभी स्नान करने का संपूर्ण फल मिलता है और जो मांगोगे ना तुमको वही मिलेगा, इसलिए तुम्हें भी दान देनी चाहिए। बोले देखो कोई घटिया चीज दान नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं साधु को वही वस्तु दे जो चीजें हमारे व्यवहार में नहीं आ रही है, जो काम में नहीं आ रही उसको उठा करके साधु को दे दे, नहीं नियम है साधु को कौन सा चीज, सबसे बढ़िया चीज साधुओं को सबसे बढ़िया चीज देनी चाहिए हैं। इसलिए बोले बताओ, तब कृष्ण ने सत्यभामा को बोले बोले बताओ तुम क्या दान दोगे। बोले आप कह रहे हो सबसे बढ़िया चीज देनी चाहिए, हमारे सबसे बढ़िया चीज तो कृष्ण है, क्यों कृष्ण को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं कृष्ण को, इसलिए हम कृष्ण को ही दान देंगे। बोले संकल्प कर, संकल्प करके हमें कृष्ण को दान दो। तो उन्होंने संकल्प किया और संकल्प करके उन्होंने कृष्ण को उन्होंने दान दे दिया। जब दान दे दिया बोले देखो कृष्ण को दान दिया, मैं संत हूँ, संतों को दान दिया मतलब ये भी संत बन गया। अब इसको मुड़ मुड़ा करके चोटी रख करके इसको बाबा जी बना करके है साधु बना करके इसको मैं अपना चेला बना कर ले जाऊंगा क्योंकि तुमने दान दे दिया। बोले नहीं नहीं हम तो कृष्ण के बगैर हम रह नहीं सकते हैं, कृष्ण के बगैर हम रह नहीं सकते हैं, हैं हम कृष्ण को छोड़ नहीं सकते कृष्ण को। बोले देखो अगर कृष्ण को लेना चाहते हो एक काम करना पड़ेगा। बोले बताओ। बोले तराजू ला करके इनके बराबर की सोने की भोजन दो, इनके बराबर की सोना हमें दान दो, फिर कृष्ण को ले जाओ। बोले हाँ ये तो कर सकते हो। तब उन्होंने कहा तराजू मंगाया, तराजू मंगा करके कृष्ण को एक तरफ में रखे, और पहले पहले है ना अब लोग भारत से आए हो, पहले पहले देखना शादी में कैसे गहना पड़ते थे माताएं, सर से लेकर के प्यार तक 5-10 किलो हैं ऐसे पहने हो कि नहीं, कभी पहने हो ना कभी, हाँ इसलिए भारत में तो इतने सारे जब दान देते हैं बेटी की शादी देते हैं पूरा शरीर को सोने में सजा करके देते हैं, सोने में सजा करके देखते हैं, और पहले जो असली धन होता ना जिसको पास में जितना सोना है उसको पास में उतना ही धन है, उसको ही इतना धनी धनी मानी जाती थी सोने की है सोने की, इसलिए पूरा इतना सोने धारण करती थी। इतने में सत्य भगवान ने किया कि सोच रही थी कृष्ण और कितना भोजन, मेरे शरीर में इतने सारे सोने चांदी है उसको उतार करके मैं धर दूं। लेकिन जब उन्हें तराजू का दूसरे तरफ में धरे ना, भगवान के बराबर थोड़ी कर सकते थे, ठाकुर के बराबर जगत में कुछ हो सकता है। जब उनने सबके सब उतार दिया कुछ भी टस से मस नहीं हुए, कृष्ण से टस से मस नहीं हुए, सत्य भामा इधर उधर झांकने लग गए। जब देखने लग गई वहां पर मित्र बिंदा रुक्मिणी सबके सब थी और समझ गई है, समझ गई, फिर रुक्मिणी भी सारा शरीर का श्रृंगार को उतार कर रख दिया, कुछ भी नहीं हुआ। मित्र बिंदा कालिंदी लक्ष्मणा सबके सब एक एक करके सारे अलंकार को निकाले और एक तरफ में धरते जा रहे, लेकिन कृष्ण टस से बस भी नहीं हो रहा, हील भी नहीं रहे कृष्ण, सारे इकट्ठे कर दिए। किंतु भगवान की भगवान का नाम विश्वम्भर है ना, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, थोड़ी सोने चांदी से उनको थोड़ी तुला जाता सकता है, टस से मस नहीं हुआ। नारद बोले भैया चलो कृष्ण को मैं बाबा बना करके है चोटी बना करके और कपड़ा लाल कपड़ा पहने करके मैं तो चेला बना कर ले जाऊंगा। नहीं बोले गुरुदेव ऐसे नहीं, हम कृष्ण को दे दो। बोले बराबर दो। बोले क्या किया जाए। इतने में सबको पता चला यहाँ राधा रानी भी आई है। बोले राधा रानी को बुलाओ, राधा रानी कुछ कर सकती है, राधा रानी को बुलाओ। फिर गए श्रीमती राधा रानी को बुलाए, राधा रानी आकर के बोले सारे इस सोने को यहाँ से हटाओ पहले, और एक तुलसी पत्ता लाओ,
तुलसी पत्ता ला करके राधा रानी अपना प्रेम से आंखों का आंसुओं से तुलसी पत्ते में कृष्ण नाम को लिखे। कृष्ण नाम को लिख करके जब केवल तराजू का एक तरफ में धरा है ना, धरते ही तो उधर हो गया पल्ला भारी और कृष्ण एकदम हल्का हो गए। कृष्ण हल्का होकर ऊपर उठ गए और जितने वहां पर थे बोले श्रीमती राधा रानी की है। इसलिए फिर तो समझा क्या है, जो कृष्ण नाम है इसलिए कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, बोलो इससे बड़ा हरि, बोलो जो इससे बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि की सागर को लंग सके ना, सिनाई फूल के राम श्री राधे राधे, हरि की सागर को लंग सके ना, सिनाई फूल के राम श्री राधे राधे, कूद गया है तुम्हारा उसी को, कूद गया है तुम्हारा उसी को, लेके हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि का नाम प्रभु से द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, धर्मराधे राधे राधे, द्रौपदी ने नाम पुकारा सारी से सहारा गुनासन, सारी से सहारा गुनासन, सारी बनाए हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, हरि नाम को ठीक से करनी चाहिए, माला ठीक से जप करनी चाहिए, क्योंकि ये हरि कद नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम। भगवान चिंता रखते, क्या चिंता करते भैया, अगर मेरे कोई नाम को ले रहा है, अगर मेरे कोई पुकार रहा है ना, अगर मैं नहीं आऊं तो क्या होगा, मेरे नाम बदनाम हो जाएगा। हमने भगवान को बुलाया, ठाकुर जी नहीं आए, इसलिए नामी मतलब कृष्ण चिंता रहती है। क्या उनका चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, मेरे नाम का ही बदनाम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए भगवान के नाम को जप करनी चाहिए और यहाँ पर तुलसी की और कृष्ण नाम की यहाँ पर राधा रानी महिमा बताए। ये जो तुलसी है, ये तुलसी कोई पेड़ नहीं, लकड़ी नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी है, इसलिए उसमें कृष्ण की अधिष्ठान, लक्ष्मी की अधिष्ठान ये तुलसी वृक्ष में। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य क्या दिया था, तुलसी पत्ता और गंगा जल, इतने में ही भगवान की आसन हिल गया और भगवान गोलोक वृंदावन छोड़ करके जगत में आ गए। क्यों, ये तुलसी की शक्ति इतने शक्ति है। इसलिए वहां पर फिर कृष्ण जा करके सबसे पहले अपना सखाओं से मिले, अपना पिता माता की चरण को छुए। कृष्ण कितने 100 साल के हो गए थे, मैया एकदम बुढ़िया बन गई थी, लेकिन माँ की प्रेम दिखा रहे, माँ की प्रेम कितना बड़ी है, कहते माँ की जो प्रेम है ना दुनिया में, माँ की प्रेम को साथ में कुछ भी हम कभी भी कोई चीज को बराबर कर ही नहीं सकते हैं। माँ के हृदय में इतने बात्सल्य होता है। इसलिए यहाँ पर गोपियों ने कृष्ण को 3 प्रश्न किया था,
बोले कृष्णा तीन तरह के व्यक्ति बताओ तो तुम कौन हो। पहला नंबर है कृष्ण को पूछ रहे हैं गोपियां, बोले जगत में तीन तरह का व्यक्ति है, हैं? इसलिए तुम बताओ कौन। बोले एक प्रेम करने वाले को जो प्रेम करता है, दूसरे है प्रेम करे नहीं करे तभी प्रेम करता है, तीसरे व्यक्ति है करे नहीं करे जिसको साथ में कोई मतलब नहीं। बताओ तो तुम कौन सा है। बोले देखो जो प्रेम करने पर जो प्रेम करते है ना ये बढ़िया है। 100 रुपया दिया, 100 रुपया का माल लिया, बस प्रेम खत्म, प्रेम नहीं। लेकिन करे नहीं करता भी प्रेम करते ये कौन। बोले पिता माता। अब देखना बेटा जितने नालायक क्यों नहीं हो जाए, बेटा जितने दुष्ट क्यों नहीं हो जाए। देखना माँ के हृदय में बेटा मेरा ही बेटा है। उनके हृदय से कभी भी बेटे के प्रति जो भावना प्रेम है, हैं? भले ही कभी कभी क्या होता है घर में बहू आ जाए ना, कभी कभी क्या होता है अपना पिता माता को भूल जाते हैं, कभी तो पिता माता निकाल भी देते हैं घर से जब बहू आ जाए, हैं? जिसने गर्भ में धारण किया, तेरे को लालन पालन किया, खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया है, कभी कभी बच्चे पिता माता को भूल जाते हैं। भले ही पिता माता अलग करते लेकिन मैया क्या चाहती। बोले बेटा मेरा कहीं भी रहे तो सुख मेरा, कहीं भी तू रहो तुम तो आनंद में रहो, तुम खुश में रहो। इसलिए पिता माता के जो प्रेम है कोई तुलना नहीं कर सकते है पिता माता के प्रेम को। इसलिए पिता माता के जो ऋणी है ना कभी भी दुनिया का ऋणी को हम चुका सकते हैं, लेकिन पिता माता के ऋणी कभी हम चुका नहीं सकते। इतने पिता माता के ऋणी हम है। इसलिए कृष्ण कहते हैं ये पिता माता ऐसे की वस्तु है जिसका ऋणी कभी बेटा चुका नहीं सकता। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए। इसलिए भगवान क्या करते थे, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमय माता। इसलिए ठाकुर जी स्वयं सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की पूजा करते थे, पिता माता की चरण वंदना करते थे, पिता माता के आशीर्वाद भगवान लेते थे, हैं? इसलिए कृष्ण कितने उम्र के हो गए, 100 साल के हो गए, माँ बूढ़ी हो गई, लेकिन देखो जब उन्होंने माँ की गोद में बैठे ना कृष्णा, अब देखना माँ के सामने बच्चा भले ही जितने बड़े क्यों नहीं हो जाए, जितने बड़े डॉक्टर क्यों नहीं हो जाए इस दुनिया के जितने बड़े, लेकिन पिता माता के सामने क्या है, माँ के सामने बेटा सब उसमें छोटा रहता है। माँ कभी जितने बड़े हो जाए माँ कभी बेटे को बड़ा नहीं मानता है। भले बेटा डॉक्टर होकर दुनिया को देखता है, लेकिन अगर ठंडी का समय कहीं बाहर जाए बोले बेटा साथ में चादर ले जा, ठंडी लग जाएगी, बेटा साथ में भोजन ले जा, भूख लग जा तो खा लेना बेटा। इसलिए यहाँ पर जब कृष्ण माँ की गोद में बैठी गई ना, माँ के स्तन से दूध अपने आप झरने लग गया। इतने बुरी अवस्था में माँ के दूध से अपने आप झरने लग गया माँ के स्तन से। इतने उन्होंने माँ की गोद में बैठे बैठ करके उनको सांत्वना दिया, बोले मैया मैं तो आना चाहता था लेकिन ऐसे में काम में फंस गया था, आना कठिन हो गया, क्योंकि जब मैंने कंस को मार डाला ना इतने में सारे दैत्य लोग सबके सब टूट पड़े हैं। अभी उनको साथ में युद्ध करते 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 इसलिए माँ मैंने नहीं आ पाया, इसलिए माँ कभी मैं तुम्हारी ऋणी कभी मैं चुका नहीं सकता हूँ। माँ की गोद में पिताजी गोद में बैठे माँ को प्यार दिया और सबको प्रेम दिया, प्रेम दे करके इतने में फिर उन्होंने किसको साथ में, फिर ब्रज गोपियों को साथ में कृष्ण मिले, फिर उन्होंने राधा रानी से मिले। जब राधा रानी से मिले है ना, बोले देखो राधे मैं तो आना चाहता था लेकिन मैं नहीं आ पाया हूँ, है नहीं आ पाया हूँ। इसलिए वहां पर बहुत सारी कथोपकथन है। तब राधा रानी कहती है देखो श्याम सुंदर अब भी वही श्याम सुंदर, मैं वही भी राधा हूँ, लेकिन जब हम यमुना किनारा में जहाँ पर यमुना कलकल नाद से जहाँ पर बह रही है, जहाँ पर कोयले कुहुकती है, मयूर के क्या करते हैं, जहाँ पर सुंदर सुंदर बेली चमेली जूही तरह तरह का जहाँ फूल खिले हुए, जब हम वहाँ पर मिलते थे जो आनंद है ना, यहाँ पर तो हाथी घोड़ा सैन्य सामर तुम्हारी राज बेस मरुको का है, तुम्हारी कहाँ वो बंसुरी कहाँ है, तुम्हारी ब्रज का कोई बेस ही नहीं तुम्हारे पास में, सारे द्वारकाधीश यहाँ पर राज राजेश्वर है। इसलिए अगर तुम हमें आनंद देना चाहते हो मेरे हृदय रूपी रथ में तुम बैठो और तुमको हम ले जाएंगे कहाँ वृंदावन ले जाएंगे। फिर जब वृंदावन यमुना किनारे में जब निकुंज मंदिर में जब हम मिलेंगे तभी हमें आनंद मिलेगा, इसलिए चलो हमारे साथ में। इसलिए जो रथ यात्रा है ये वो रथ यात्रा है, राधा रानी कृष्ण को हृदय रूपी मंदिर में बैठा करके
वृंदावन ले जा रही है वहां पर रथ यात्रा में है। इसलिए महाप्रभु इसी भाव से सही तो परार नाथ पायलो जहाँ लागे मदन जहर जुड़गल, मतलब है वही जो परनाथ प्राण प्यारे कौर जिनको हमने कभी वृंदावन में मिले थे, बड़े दिनों को बाद में मिले, वही प्राण प्यारे को हम अभी ले जा रहे हैं, कहाँ वृंदावन ले जा रहे हैं। इसलिए महाप्रभु इसी भाव से रथ को खेचते खेचते ले जाते थे। जब ले जाते थे, अभी कभी कभी राधा रानी सोचती है अगर कभी कभी है कभी कभी चलते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी चलते हैं, इतने में अभी महाप्रभु सोच रहे हैं, महाप्रभु भावना में राधा रानी मैं हृदय में बैठा कर ले जाती हूँ। इतने में कभी कभी राधा रानी भाव में महाप्रभु सोच रहे हैं ये जो कृष्ण जा रहे हैं वृंदावन क्या सचमुच से मेरे लिए जा रहे हैं ना अपने आप घूम भी लाते हैं, ना सचमुच से मेरे लिए मेरे को आनंद देने के लिए ले जा रहे है ना अपने आप जा रहे हैं वृंदावन में, इसका क्या भावना है। इसलिए महाप्रभु कभी क्या क्या करते थे, कभी कभी रथ को पीछे चले जाते थे। जब रथ को पीछे चले जाते थे ना इतने में क्या होता था, रथ खड़े हो जाते और रथ नहीं चलता है, रथ नहीं चलता है, मतलब कृष्ण कहते हैं राधे तुम सोच रहे हो मैं और किसी काम के लिए जा रहा हूँ, नहीं मैं तो जा रहा हूँ इसीलिए केवल तेरे लिए मैं जा रहा हूँ और किसी के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए जब तक तू नहीं आओगे मैं जाने वाले नहीं। पर महाप्रभु गौर जब स्थिर है श्याम है धीरे, जब महाप्रभु है पीछे चले जाते हैं कृष्ण स्थिर हो जाते हैं, फिर जब महाप्रभु फिर आगे आती है फिर क्या होता है, फिर श्याम धीरे धीरे जगन्नाथ जी फिर चलना शुरू हो जाती है जगन्नाथ चल। इसलिए इसी भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, जगन्नाथ जी को कहाँ ले जा रहे हैं, वृंदावन से द्वारका से उनको वृंदावन ले जा रहे हैं। बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि की, बोले श्रीमती राधा रानी की। कहती जो रथ की ये भावना है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अभी क्या कर रहे हैं उनको ले जा रहे हैं। आप लोग अभी रथ यात्रा देखे हो, कौन कौन रथ यात्रा देखा, हाथ उठाओ तो, कौन कौन रथ यात्रा देखे हो। अब देखना जगन्नाथ जी की जो रथ, जब जगन्नाथ जी को ले आते हैं कहाँ से, अंदर से, अंदर से ले आते हैं ना, देखे कि नहीं, जगन्नाथ जी को अंदर से ले आते बाहर ले आते, लेकिन जब जगन्नाथ जी को अंदर से बाहर ले आते हैं आप लोग देखना उसी समय में जगन्नाथ जी कैसे आते हैं, देखो कैसे आते हैं, अरे बोलो, हिलते हिलते, कभी कभी हिलते हिलते, कभी कभी हिलते तो कभी गिर जाते, गिरने वाले फिर किसी तरह से रुक जाते हैं, ऐसे 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 एकदम, आप देखना ऐसे ऐसे नहीं आते, ऐसे ऐसे करते करते आते, हिलते हिल करके ऐसे पूरा ऐसे ऐसे हिलते हिलते जगन्नाथ जी हिलते हिलते आते हैं। कहते ऐसे हिलते हिलते क्यों आते हैं, देखना जैसे कोई ज्यादा शराब पी ले ना, देखना ज्यादा कोई शराब ज्यादा पी लेता है वो कैसे चलता है, लुढ़कते लुढ़कते गिरते झूलते झालते ऐसे चलता है ना। इसलिए यहाँ जगन्नाथ जी शराब पिए किस चीज की, प्रेम की, किसकी प्रेम की, ब्रजवासियों की प्रेम, अब विशेष करके राधा रानी की प्रेम रूपी शराब को उन्होंने पान करके रखे है। इसलिए जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं, कृष्ण ऐसे ऐसे हिलते डोलते जगन्नाथ जी जाते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा, अभी जगन्नाथ जी का अनवसर अनवसर है, जगन्नाथ जी अभी दर्शन 15 दिन तक नहीं देंगे, अंदर में उनको काढ़ा बनाकर पिलाएंगे, जैसे बुखार की बहाना बना रहे ना जगन्नाथ जी, बुखार की बहाना बना रहे, और अन्न डाल जो इतना लगता है जगन्नाथ जी को नहीं लग रहा है, जगन्नाथ जी को फल मूल जैसे बुखार में पड़ जाए ना, जैसे खाना खाते हैं ऐसे जगन्नाथ जी खाना खाते हैं, खा करके 15 दिन तक अंदर में रहते हैं। बोले क्यों, बोले अंदर में रह करके श्री लक्ष्मी जी को मना रही है, बोले लक्ष्मी मेरे को थोड़ी सी आदेश दे दे, मैं थोड़ी सी वृंदावन घूम करके आऊं, ब्रजवासियों से मिल करके आऊं, बहुत दिन हो गया अपना ब्रजवासियों से गोपियों से राधा रानी से नंद यशोदा से मैंने मिला नहीं, थोड़ा मेरे को आदेश दे दो मैं जाने के लिए। लेकिन लक्ष्मी सहज में आदेश नहीं देते, वो सहज में आदेश देना नहीं चाहती, क्यों कहते अगर वहां जाकर फंस नहीं जाए वहां पर, फिर हमें भूल नहीं जाए है, मेरे को भूल नहीं जाए वहां फंस नहीं जाए। इसलिए जगन्नाथ जी 15 दिन तक अंदर में रह करके केवल लक्ष्मी को समझाते हैं, हाँ लक्ष्मी को समझाते, लक्ष्मी मेरे को आदेश दे दे, मेरे को आदेश दे दे। इसलिए क्योंकि कारण है, जगन्नाथ जी अगर डायरेक्ट बोल बिना बोले चले जाएंगे ना, फिर लक्ष्मी क्या करेगी, खाना पीना सब बंद कर देगी जगन्नाथ जी, हम उनका खाना पीना बंद कर देगी, बोले जाओ तो वहीं पर जाओ, रहो
यहाँ कोई आने का जरूरत नहीं, और गोपियों को साथ में राधा जी को साथ में रहा करो है। इसलिए जगन्नाथ जी डर से कुछ बोलते नहीं, इसलिए कभी कभी कृष्ण कहते ना, बोले राधे जब तू मान करती है तेरे को मनाने के लिए मेरे को इतने कष्ट करना पड़ता है, बोले गिरिराज को उठाने के लिए भी इतना कष्ट नहीं लगा, अघासुर बकासुर को मारने के लिए भी इतना कष्ट मतलब नहीं लगा है। इसलिए मेरे को कालियों को नथने के लिए भी इतना कष्ट करना नहीं पड़ता है, लेकिन तू जो मान करती है ना तेरे को मनाने के लिए मेरे को इतने कष्ट करना पड़ता है ना। आप लोग कोई मान किए हो, पति को भी मनाते होगा, इसलिए पतियों को पता चलता होगा पत्नी की मान को मनाना है कि नहीं प्रभु, है कि नहीं। पत्नी अगर मान कर ले पत्नी को, ये बात कृष्ण कह रहे मैं नहीं कह रहा, ये कृष्ण कह रहे बोले राधे मेरे को गिरिराज भी उठाने के लिए इतना परिश्रम नहीं लगा था है, और मेरे को सारे राक्षस को मारने के लिए कोई नहीं, लेकिन तेरे को मनाने के लिए इतना कष्ट लगता है। इसलिए लक्ष्मी को केवल मनाने के लिए जगन्नाथ जी 15 दिन का रह करके 15 दिन के बाद में बोले देखो उन्होंने बहाना बनाया, देखो तुमने देखा 15 दिन का बुखार में पड़ा हुआ, खाना भी ठीक से नहीं खाए, तुम देखा कि नहीं, बोले हाँ देखा है, बोले मन अच्छा नहीं लगता, आदेश दे दे 2-3 दिन घूम करके चले आओ। बोले कब आओगे, बोले आज जा रहा हूँ, कल ब्रजवासियों से मिलूंगा, परसू आ जाऊंगा। इसलिए ब्रज में एक स्थान का नाम है सी परसु, कृष्णा जिनको ब्रजवासियों को भी बोल कर गए थे मैं जा रहा हूँ कंसों को मार करके परसू में वापस आ जाऊंगा, इसलिए स्थान का नाम भी सी परसु है ब्रज में है। अभी कृष्णा उन्होंने, लेकिन ये लक्ष्मी को नहीं ले जाते, किसको ले जाते हैं, अपना भाई बहन सुभद्रा और बलदेव प्रभु को ले जाते हैं, और ले करके क्या करते हैं जगन्नाथ जी कहाँ जाते हैं, अपना वृंदावन जाते हैं। बोले लक्ष्मी को क्यों नहीं ले जाते हैं, कि जो लक्ष्मी है उसका जो मूड है ना वो ऐश्वर्य भाव है, इसलिए वो ऐश्वर्य भावना जानती है ये कृष्ण कौन है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन ब्रज में शुद्ध वात्सल्य शुद्ध सख्य शुद्ध माधुर्य, वहां पर कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानते, कोई सखा मानते हैं, कोई अपना प्राण प्यारे मानते हैं, कृष्ण को कोई अपना बेटा मानते हैं। वहां पर तो कृष्ण सबकी सेवा करते हैं, और द्वारका में कृष्ण की सब सेवा करते हैं, लेकिन कृष्ण वहां सबकी सेवा कृष्ण करते हैं, क्योंकि वहां पर शुद्ध भावना है। इसलिए लक्ष्मी नहीं समझ पाएगी, इसलिए उनको लेकर नहीं गए, केवल उन्होंने अपना बहन को अपना भाई को लेकर उन्होंने गए, और लेकर के जब गए वहां पर गए थे कितना दिन के लिए, बोले 2 दिन के लिए, 5 दिन हो गया आए थे, और उन्होंने लक्ष्मी को वहां पर है ना केवल 3-4 दिन के लिए भोजन देकर गए, और जो वहाँ जो ये है ना उनका जो भंडारा है जिसमें सारे सामान रहता है, जगन्नाथ जी ताला लगा करके चाबी काठी लेकर साथ में हैं, और 3-4 दिन के लिए भोजन देकर गए, लेकिन 3-4 दिन के बाद में जो भोजन खत्म हो जाती है ना, देखे जगन्नाथ आए नहीं, जब आए नहीं वो समझ गए ये गोपियां तो हमारे पति को आने नहीं देते हैं, और वहीं पर राधा रानी गोपियां कृष्ण को आने नहीं देते हैं। आप देखना स्त्री का स्वभाव देख लेना, हम माताएं देख लेना, अगर माताओं को पता चले मेरे जो पति और किसी स्त्री को प्रेम कर रहे हैं अंदर से, और किसी स्त्री को प्रेम कर रहे हैं, अब देखना पत्नी की जो स्वभाव है ना, फिर सारा दुनिया में तो ढिंडरा पिटवा देते हैं, हाँ? सारा दुनिया में ढिंडरा पिटवाएगी, बोले जानते हो वो क्या करता है, दूसरों के साथ में घूमता रहता है, कहाँ कहाँ घूमता रहता है ये है। इसलिए लक्ष्मी तो सारा जिसको देखे उसको ही बोले, जिसको देखे उसको बोले, बोले गया तो गया और गोपियों को प्रेम में पड़ गया, अभी तक आया नहीं, 5 दिन ही हो गया। इसलिए उसको बाद में समय आता है हेरा पंचमी, हेरा मतलब होता है ढूंढना है, ढूंढना वो गए कहाँ देखने के लिए। हे लक्ष्मी इतने में सारे अलंकार को पहन करके सज धज करके हीरे जवाहरात को पहन करके लक्ष्मी ठाड़ बाढ़ को साथ में लक्ष्मी आती है, आ करके अब लोग रथ तो रहता बाहर, अंदर में जगन्नाथ जी रहते बाहर रहता है रथ, आ करके इतने भूसा में रहती है लक्ष्मी, एक पहिया को तोड़ देती है। मतलब स्त्री जब मान करती है मतलब कैसे पति के ऊपर आक्रमण कैसे करती है, इसलिए उनको तोड़ देती है एक पहिया को, तोड़ करके ना सीधा अंदर में जाती है और सिंहासन में बैठ जाएगी। बैठ करके वहां पर 2 दल होता है, एक गोपियों का दल एक लक्ष्मी का दल है, इतने में वहां पर बैठ करके आदेश देती है, बोले उनको सब पकड़ पकड़ के लाओ जितने गोपियों को, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को आने नहीं दिया है, पकड़ पकड़ के लाओ। वहां पर क्या करते हैं, वो जा करके जो दूसरे जो 2 दल है दूसरे दल को
गले में कपड़े बांध करके ना इसे पकड़ पकड़े, जैसे कोई एक है, जैसे कोई एक व्यक्ति दोषी अपराधी व्यक्ति को जैसे ले आते ना, लेकर के आते हैं और लक्ष्मी के चरण में सबके सब गिरते हैं और लक्ष्मी के पास में माफी मांगते, बोले लक्ष्मी अब क्रोध मत करो, अब शांत हो जाओ, हम और ज्यादा दिन जगन्नाथ जी को नहीं रखेंगे, एक दो दिन में जगन्नाथ जी को हम वापस भेज देंगे, हैं वापस भेज देंगे, आप इतना क्रोधित मत हो करो। लक्ष्मी को खूब मनाते हैं चरण में गिर करके, लक्ष्मी खुश हो जाती है, खुश होकर के फिर लक्ष्मी चली आती है। जब चली आती है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों को साथ में महाप्रभु जाते हैं दर्शन के लिए। जब महाप्रभु दर्शन करने जाते हैं, महाप्रभु अपना परिकरों को साथ में बैठे हुए थे और ये लीला को देख रहे थे और महाप्रभु ना मुस्कुरा रहे हैं। महाप्रभु देखते हैं लीला, मतलब जो कोई स्त्री गुस्सा होता है कैसे उनका क्रोध आता है, इसको देखते रहते। और गोपियां हैं, लक्ष्मी कैसे गुस्सा आकर गोपियों को कैसे चरण में गिराती है, बैठ बैठ कर देखती। लेकिन वहां पर श्रीवास पंडित स्वर्ग दामोदर, कहते श्रीवास पंडित कौन है, बोले नारद जी है। और स्वर्ग दामोदर कौन है, कहते ये ललिता है, ये ललिता सखी है, हैं ललिता सखी है। और वहां पर ना श्रीवास पंडित वैकुंठ का परिकर है, वैकुंठ का परिकर श्रीवास पंडित नारद जी, कहते ना सिमर नारायण 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 करते हैं और नारायण का भक्त है, इसलिए वहां पर स्वर्ग दामोदर का ललिता, ललिता कहाँ है, वो वृंदावन की भक्त है, उनको कहती बोले देख रहे हो क्या हो रहा है, हैं देखो हमारी लक्ष्मी का ऐश्वर्य देखो कितना ठाड़ बाड़, कैसे हीरे जवाहरात, कैसे लक्ष्मी वृंदावन में क्या कुछ नहीं, वही यमुना नदी बह रही है, उधर चार पेड़ पौधे हैं, वैसे फल फूल लगा हुआ और क्या है, लेकिन देखो लक्ष्मी की ठाड़ बाड़ देखो, वैकुंठ में देखो क्या हीरे जवाहरात, कैसे सज धज कर लक्ष्मी आई, ये वृंदावन कुछ नहीं फल फूल पेड़ पौधा। लेकिन इतने में स्वर्ग दामोदर कहते हैं बोले चुप रहो ज्यादा बोलो मत, तो तुमको पता नहीं वृंदावन क्या है। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृत सुरभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदंग मादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा कहती जो वृंदावन की जो ऐश्वर्य है, कहते वहाँ भूमि नहीं चिंतामणि वृक्ष नहीं कल्प वृक्ष है, वहाँ पर गाभी नहीं सब काम धनु, कहते वहाँ पर कोई चलता है ना लगता है बड़े सुंदर नृत्य कर रहा है, अगर कुछ बोलता है लगता है ठाकुर का बड़े कीर्तन करता है, कहते पानी नहीं तो अमृतम वो अमृत है। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर जी कहते है वृंदावन की जो धूल है, एक धूल में इतने शक्ति है कि इतने वैकुंठ को सृष्टि कर सकती है, एक धूल में एक लता पता में इतने शक्ति कितने वैकुंठ को सृष्टि कर सकती है। इसलिए हिंदी में कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे, बोले राधा रानी की, जोर से बोलो, बोले श्री राधा रानी की। इसलिए वहां पर सब कथा कथन होता है, लेकिन जब जगन्नाथ जी आते हैं ना कितना दिन के बाद में आते हैं तुम पता है, 15 दिन के बाद में आते हैं, लेकिन 2 दिन बोल कर गए थे, लेकिन 15 दिन के बाद में आते हैं। जब जगन्नाथ रथ आता है ना तीनों रथ धूल उड़ाते हुए तीनों रथ आती है, इतने में सखियां जाकर के लक्ष्मी की, कहते जानती हो तेरे पति आ रहे हैं, जगन्नाथ जी आ रहे हैं, बोले कहाँ, बोले तो धूल उड़ा करके भाई बहन हाँ तीनों ही आ रहे हैं, बोले धूल उड़ा करके। इतने में लक्ष्मी को ले जाते हैं जगन्नाथ मंदिर के ऊंचा स्थान है वहां पर ले जाते हैं, लक्ष्मी ऐसे देखती है, हैं मेरे पति आ रहा है, मेरे जेठ आ रहा है, ननद आ रही है, इसलिए धूल उड़ाते हुए जाकर देखती है। जब देखती है फिर जब जगन्नाथ जी, फिर जगन्नाथ जी का सोना सोने की बेस होता है, सोने के बेस के बाद में फिर श्री जगन्नाथ जी अंदर में आते हैं, लेकिन पहले जगन्नाथ जी नहीं आते, पहले बलदेव प्रभु आते हैं। जब बलदेव प्रभु आते हैं अंदर में, हैं कहते अंदर में ना लक्ष्मी का, लक्ष्मी की दल रहती है और बाहर जगन्नाथ जी का दल है, अंदर में लक्ष्मी की दल है। इतने में लक्ष्मी प्रश्न करती है भैया कौन आ रहे हैं, बोले तुम्हारी जेठ श्री बलदेव प्रभु आ रहे हैं, बोले जेठ बलदेव प्रभु आ रहे हैं, बोले ठीक है इनका दरवाजा खोल दो, क्यों जेठ लगते है ना, जेठ को साथ में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। फिर आती है सुभद्रा, तब वो कहती है भैया कौन आ रही है, बोले तुम्हारी ननद आ रही है,
और ननद बड़ा तेज है, हैं? बोले भैया ननद को साथ में भी कोई हमारी लड़ाई है नहीं। ननद कहते दरवाजा खोल दो। बोले कौन आ रहे हैं? बोले तुम्हारे पति जगन्नाथ जी आ रहे हैं, तुम्हारे पति आ रहे हैं। दरवाजा बंद कर, झगड़ा उसके साथ में, हमारी झगड़ा पति को साथ में झगड़ा, जेठ और ननद से कोई झगड़ा नहीं, इसलिए बंद कर दो। हैं? जब बंद कर दिया दरवाजा, इतने में दो दल में भजन होता है। इतने में लक्ष्मी प्रश्न करती है, कितना दिन के लिए गए थे? कितना दिन हो गया? 2 दिन के लिए गए थे, 15 दिन बाद में आ रहे। जहां से आए ना वहीं चले जाओ, अगर यहाँ पर कोई स्थान नहीं वहीं पर रहो, उनके साथ में रहो, यहाँ मत आया करो। लेकिन जगन्नाथ जो है ना, ये छलिया है, कृष्ण तो बड़े छलिया है, है? इसलिए कृष्ण तीन जगह से टेढ़े है ना। इसलिए जो राधा रानी का जो मान है ना, दुर्जय मान है, इतना आसानी नहीं राधा रानी के मान को तोड़ना। जो राधा जी के मान को तोड़ सकते हैं, लक्ष्मी की मान तो चुटकी बजाते ही तोड़ देंगे, उनको पता है चुटकी बजाते किसी इनके मान को तोड़ देंगे। इसलिए जगन्नाथ जी पहले से क्या करते जानते हो? अब देखना यहाँ पर जगन्नाथ जी जितने पुरुष लोग को शिक्षा दे रहे हैं, अगर पत्नी को अगर मनाना चाहते हो, कैसे पत्नी को खुश कर सकते हो? यहाँ जगन्नाथ जी यहाँ शिक्षा दिया है। बोले पत्नी को 3 चीज से खुश कर सकते हो। बोले क्या है? जगन्नाथ जी पहले से ही बड़ी सुंदर सुंदर साड़ी है, जो लक्ष्मी की जो पसंद, और जो सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम बड़े सुंदर जरी में, और वो लक्ष्मी गोरी है ना, जो गोरी होती है शरीर में, उनका जो नीला रंग काला रंग का साड़ी उसको ये होता है क्या, जमता है ना? अच्छा लगता है। उनने बड़े सुंदर सुंदर साड़ी लाए थे, और कहाँ की साड़ी? बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे बनारसी साड़ी है। वो साड़ी ऑर्डर देकर अच्छे अच्छे साड़ी, और क्या लाए थे? बोले जो प्योर सोना, जयपुरी सोना कहते हैं, सोने की स्त्रियों को अलंकार पहनने का बड़ा शौक होता है। हाँ, अलंकार पहनने उनको अच्छा लगती है, इसलिए नाक के लिए, कान के लिए, सर के लिए, गले के लिए, कमर के लिए, पैर के लिए बड़े सुंदर सुंदर सोने की उन्हें बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने अलंकार को लेकर के आए थे। और क्या लेकर के आए थे? और रसगुल्ले। हाँ, बड़े सुंदर रसगुल्ले लेकर जगन्नाथ जी पहले लेकर के आए थे। और जगन्नाथ जी लक्ष्मी कहती है, इतना देर क्यों हुआ? बोले देर तेरे लिए तो मैंने देर की। बोले मेरे लिए क्या देर किया? बोले आज देख, जब विदेश में गया हूँ कहीं घूमने के लिए, खाली हाथ से थोड़ी आ सकता हूँ, तेरे लिए तो कुछ लेकर के आनी चाहिए ना, खाली हाथ से कैसे आओ, तेरे लिए तो कुछ लानी चाहिए। बोले क्या लाए हो? बोले तुमको जो पसंद साड़ी है ना, मैंने ऑर्डर दिया था, तेरे को जो पसंद अलंकार सोने की मैंने ऑर्डर दिया था। मैं तो सोच रहा था 2 दिन बाद में आ जाऊ, तो मैं सोचा था, लेकिन अगर वो देने में लेट कर देगा तो मैं क्या करूंगा? वो देने में लेट कर दिया, इसलिए तो मैंने इतना लेट हो गया, मैं तो जल्दी आ रहा था। जब ये बात बोले ना, फिर उनका जो मान ऊंचा चढ़ा हुआ था, फिर नीचे उतरने लग गया, उनका मान थोड़ा था नीचे आने लग गया। बोले हाँ गए तो गए, लेकिन मेरे को याद किया, और मेरे पसंद का साड़ी लाए, और मेरे लिए अलंकार और लेकर के आए। बोले और क्या लाए हो जानते हो? तेरे को पता के? बोले क्या लाए हो? बोले तेरे को जो पसंद रसगुल्ला है ना, स्पेशल रसगुल्ला है, और बंगाल में स्पेशल रसगुल्ला है गांगुराम, वहाँ की जो रसगुल्ला बड़े सुंदर है। कहते तो स्पेशल रसगुल्ला मैंने ऑर्डर दे करके, ए मिट्टी की हाड़ी में तेरे लिए बड़े सुंदर रसगुल्ला लाए। जब इतना लक्ष्मी सुनती है ना, मुंह से तो पानी आ जाता है। बोले गए तो गए, मेरे को याद किया है, मेरे लिए बढ़िया बढ़िया साड़ी और बढ़िया बढ़िया अलंकार और रसगुल्ला लेकर के आए। इतने में लक्ष्मी फिर खुश हो जाती है, दरवाजा को खोल दिए, खोल करके जगन्नाथ जी को उन्होंने बोले जय जय राधा कृष्ण युगल मिलना, आरती कराए ललिता जी सखिया, मदन मोहन रूप सिंह सुंदर, ललिता माधव जल मोहन
उन्होंने बड़े सुंदर आरती किया, फिर जगन्नाथ जी को साथ में लेकर के जाती है और लक्ष्मी को साथ में जगन्नाथ जी आराम से मंदिर में। ये रथ यात्रा है, रथ यात्रा फिर कल हम लोग सुनेंगे। हाँ, उनका दीदी को घर में फिर जगन्नाथ जी ऐसे रूप क्यों हुआ है, उनका जो ऐसे हाथ है हाथ नहीं, उनको उसका गुरुदेव ने चार कारण बताए, हमारे भक्त नारायण गोस्वामी ने उसको चार कारण बताए, जगन्नाथ जी कितने बड़े बड़े आंख क्यों है, हाथ क्यों नहीं है, ये रूप क्या है। फिर चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम को उन्होंने वृंदावन में आस्वादन नहीं कर पाए, कृष्ण जो प्रेम को उन्होंने गोलोक वृंदावन में आस्वादन नहीं कर पाए, वो रस को उन्होंने कहां पर, बोले पुरी में रह कर को प्रेम का आस्वादन किया, और जो प्रेम के लिए आए थे और जगन्नाथ जी को रोज किसी के दर्शन करते थे, कहते जो जगन्नाथ जी का जो मूर्ति साधारण मूर्ति नहीं, वो प्रेममयी मूर्ति है, राधा जी के प्रेम में द्रवीभूत होकर के रूप धारण किए। बड़ी सुंदर कथा गुरुदेव बताए, इसलिए कल हम इसको कल लास्ट दिन है, इसलिए कल सबके सब आना, दीदी के घर में ज्यादा प्रसाद बनाना सब लोग आए, इसलिए कल ये कथा को हम सुनेंगे, जगन्नाथ जी ऐसे सब रूप उन्होंने क्यों धारण किया, ऐसे रूप उनका की है। ठीक है, बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री बलदेव प्रभु की, बोले श्री सुभद्रा देवी की, बोले श्री सुदर्शन चक्र की, गौर ब्रह्मानंद।